ये जो बेईमान गद्दारों की सरकार है उसने जो शिवाजी महाराज जी का जो पुतला बनाया वो टूट गया है। अच्छे मन से नहीं बनाया, राजनीतिक मन से बना। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं। डेली हालात न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप। नाजरीन, नेवी डे के मौके पर सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले पर वजीरे आजम श्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिवाजी महाराज के जिस मुजस्मे का इजरा अमल में आया था, गुज़िश्ता रोज इतला के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से वो मुजस्मा जमी दोज हो गया। मुजस्मे के ठेकेदार कल्याण के मेसर्स आर्टिस्ट के मालिक जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ इतला के मुताबिक मालवन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। ये इतला रविंद्र चौहान डोंबिवली के MLA और साबिक रियासती वजीर ने अखबारी नुमाइंदों को दी। दरियासना विजय वट्टीवार ने इस सिलसिले में ट्विटर में अपना बयान शेयर किया है और उन्होंने कहा, जो कुछ कहा इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं। साथ ही सामना के एडिटर और MP संजय राउत ने भी सख्त अल्फाज में मजकूरा मामले में हुए करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा कि मुग़लों ने भी शिवाजी महाराज का इतना बड़ा अपमान नहीं किया जितना मौजूदा मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत ने किया है। दूसरी जानिब ठाकरेगढ़ के MLA वैभव नायक ने मालवन के PWD ऑफिस में तोड़फोड़ की है। नाजरीन, ये पता चला है मुजस्मे के ठेकेदार के जरिए के नेवी की जानिब से मुजस्मे का वर्क ऑर्डर निकला था और इस मुजस्मे की तामीर में भी नेवी के इंजीनियर्स भी माविन थे। नाजरीन, इस वीडियो में ये दोनों इंटरव्यू और मुजस्मे के ठेकेदार की गुफ्तगू भी मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्त अहबाब के साथ। शुक्रिया। तो लागला ठाण्याचा कंत्राटदार ज्याच्याकडे लाखो करोडो रुपयांची काम आहे, या कंत्राटदारांना आता ब्लॅकलिस्ट केलं पाहिजे। जो कोणी कंत्राटदार आहे आणि त्यांच्याकडून हे काम पुनश्च उभं करून घेतलं पाहिजे। ज्या पद्धतीनं शिवाजी महाराजांचा अपमान या ठिकाणी झालेला आहे आणि केला गेला आहे, त्याला महाराष्ट्र कसा माफ करेल? ज्या पुतळ्यामध्ये कमिशन खाऊन, कमिशन खोरी करून, निकृष्ट बांधकाम करून समस्त शिवप्रेमीचा अपमान करणाऱ्या या नालायक लोकांना आता धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे। मी आवाहन करतोय, जर तुमच्यामध्ये दम असेल तर त्या कंत्राटदाराला लगेच FIR दाखल करा, त्याला ब्लॅकलिस्टेड करा आणि त्याच्याकडून सर्व काम पुनश्च पैसे वसूल करा, नाहीतर काम पुतळा पुन्हा महाराजांचा उभा करा। ज्या महाराजांनी या स्वतंत्र भारतातले पहिले आरमार, देशी आरमार कोणी उभं केलं असेल? छत्रपती शिवरायांनी उभं केलं। म्हणूनच आरमाराच्या ध्वजावर सुद्धा छत्रपती शिवरायांचा फोटो लावला जातो। त्या महाराजांच्या संदर्भात इतकी अनास्था दाखवणं आणि स्वतः शिवरायांचे भक्त असल्यासारखे, ज्यांचा काही सूत्राम संबंध नाही, ज्यांनी ज्या विचारांनी महाराजांचा राज्याभिषेकाला विरोध केला, ती मंडळी या पुतळ्याचं अनावरण करत असताना हे साध्या गोष्टी लक्षात करू शकत नाही, हे राज्याचं आणि देशाचं दुर्दैव आहे। त्वरित कारवाई करून दोषीवर कडक कारवाई झाली पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे। उभा आहे समुद्राचा आहे ना, समुद्रावरच बसवलेला आहे तो चौपाटीवर। 1956 साली, हा 1956 साली पंडित नेहरूंनी प्रतापगडावरती एक पुतळा बसवला, वो भी ऊपर, तो सुद्धा वर आहे ना, हवा आहे ना वर, किले के ऊपर वो मनाया है पंडित नेहरू ने, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला अनावरण किया, वो भी आज वही स्थिति में है जिस स्थिति में उसको बनाया था और लगाया था। लेकिन 8 महीने में सिंधुदुर्ग किले पर प्रतापगढ़ भी शिवाजी महाराज ने बनाया, सिंधुदुर्ग किला भी शिवाजी महाराज ने बनाया। लेकिन ये जो बेईमान गद्दारों की सरकार है उसने जो शिवाजी महाराज जी का जो पुतला बनाया वो टूट गया है। अच्छे मन से नहीं बनाया, राजनीतिक मन से बनाया। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता हूँ कि आपने महाराष्ट्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मैं
जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, जिसके अंदर ये सब जिम्मा है उसका, रविंद्र चव्हाण को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये छत्रपती शिवाजी महाराजांना सुद्धा ह्या लोकांनी सोडलं नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कामातसुद्धा ह्यांनी लाखो कोट्यवधी रुपयाचा घोटाळा केला, सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं आणि या सरकारनं आपापल्या लोकांना टेंडर, आपापल्या लोकांना कामं दिली. अरे शिवाजी महाराजांना तरी सोडा, ज्यांचे शिवाजी महाराज लाडके होऊ शकले नाहीत ते लाडक्या बहिणींच्या गोष्टी करतायत. ह्याच्यावरती महाराष्ट्र स्वस्थ बसणार नाही. महाविकास आघाडी या विषयाचा अत्यंत गांभीर्याने विचार करते की काय पावलं उचलायची आणि पुढे कसं जायचं आहे महाराष्ट्रातल्या जनतेला. महाराष्ट्रात जे चाललं आहे अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या भ्रष्टाचारापर्यंत, ती प्रत्येक गोष्ट आम्ही सांगणार आहोत. हवा उनके दिमाग में गई है, हवा ज्यादा नहीं है, हवा उनके दिमाग में है. यहाँ सर में हवा घुस गई है इसलिए वो जमीन से ऊपर उड़ रहे हैं. जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसे आप महाराष्ट्र को विश्व गुरु तो आप बन गए, ये तो विश्व पुरुष थे. और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो आए थे सिंधुदुर्ग किले पर उनको उद्घाटन करने के लिए, इंडियन नेवी का प्रोग्राम था, बहुत ही जल्दबाजी में किया लोकसभा चुनाव से पहले. देखो हमने किया वो बताना था. श्रेयवाद की लड़ाई थी, बहुत लोगों ने उनको बताया, खास करके कोल्हापुर के संभाजीराजे छत्रपति जो शिवाजी महाराज के वंशज है, उसने बताया कि आप इतनी जल्दबाजी मत करिए ये स्टैचू के अनावरण के, लेकिन कर दिया. उसमें सामने आया है सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे, पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाने वाला. हाँ, अभी पुतला टूट गया, महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है. इस प्रकार का चित्र भी हमें कभी देखना पड़ेगा कि इस महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा पुतला हमारे सामने टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो भी उनके किले पर. अब ये बोलते हैं कि बहुत ज़ोर से हवा चली. हवा महाराष्ट्र में ज़ोर से चलती है, लेकिन फिर भी बहुत से पुतले समुंदर पे है और किले पे है, बनाए हैं. हवा आपके दिमाग में चली गई है सत्ता की. 1933 में गिरगांव चौपाटी यानी समुद्र में लोकमान्य तिलक का पुतला बनाया था 1933 में समुद्र में. वहाँ भी हवा है, वो भी समुद्र है, वो आज भी मजबूती से खड़ा है, लोकमान्य तिलक का पुतला. हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के ऊपर एक पुतला बनाया पंडित नेहरू जी ने. प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आए थे उस वक्त, उनके हाथों से उस छत्रपति जी के पुतले का अनावरण हुआ था, वो आज भी मजबूती से खड़ा है. लेकिन 8 महीने में सिंधुदुर्ग किले का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस तरह से उध्वस्त हो गया, हमने देखा, वो बहुत बड़ी चोट है. भ्रष्टाचार उस काम में है जहाँ राष्ट्रभक्ति का नाम लिया जाता है. छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में भी वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं. अब लाडली बहना हमारे लाडले राजा को नहीं संभाल सकते, आप लाडली बहना की बात करते हो. हाँ, लेकिन महाविकास आघाड़ी इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने जा रही है और हम देखेंगे आगे क्या करें. तू मालवणला चाललाय का आता? बरं, तू कल्याण मध्येच बनवला होता का हा सगळा पुतळा जो पहिले होता तो? कारण की मी स्वतः कल्याण मध्ये राहतो, तर त्यामुळे मी म्हटलं की पहिले तुला फोन करावा म्हणून. तुझी प्रतिक्रिया काय आहे, कशा पद्धती? कारण की आता ना तुझ्यावरती सगळ्या पद्धतीचं हे येते, कारण की तू पुतळा निर्माण म्हणजे बनवला होता ना. कारण लक्षात पण तुला नेमकं हे काम दिलं कोणी होतं, म्हणजे नौदलानी दिलेलं की शिंदे सरकार मधल्या कुठल्या अधिकाऱ्यांनी वगैरे दिलं होतं? नेव्हीनीच दिलं होतं का हे काम? बरं. पण मग आता याच्यावरती पुढे आता कसं हे करणार, कारण की आता बहुतेक कारवाई वगैरे केली जाईल तर तू. बरं, चालेल. थँक्यू जयदीप.